नमस्ते, हम है लाइव टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित और हमारी टीम आप पहुंची है आप सभी तक। आज के जो सब्जियों के जो ताजा भाव है, फ्रूट्स के जो ताजा भाव है, वो सभी को आपको बताने के लिए। शनिवार का बेहतरीन दिन है और आपकी घड़ी में टाइम हो चुका है सुबह के ठीक 7:30 बजे। आप जो है धीरे धीरे जुड़ते जाइए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद हम आपको बताएंगे आज सोलन सब्जी मंडी में ताजा सब्जियों के भाव एंड फ्रूट्स के भाव क्या रहने वाले हैं। अभी 23 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा, मैं पिछले कल एक चीज पढ़ रहा था, कुछ किसान भाइयों ने ये खबर पढ़ी होगी और कुछ किसान भाइयों ने ये खबर नहीं पढ़ी होगी। सुनने में आया है कि इस बार जो है हमारे हिमाचल का सेब भारतवासियों को महंगा मिल सकता है। उसके दो कारण सामने आए हैं। जो पहला कारण है, नंबर वन, कार्टन और जो पैकिंग ट्रे है उसके दाम 15-18% तक बढ़ाए गए हैं। जो पिछले साल दाम थे कार्टन भूरा के, वो 50-54 रुपए के आसपास थे। इस बार जो है 65 रुपए प्रति पेटी कार्टन भूरा के दाम मिलने वाले हैं, ऐसा सुनने में आया है। अगर हम कार्टन सफेद की बात करें तो पिछले साल उसके दाम 64-67 रुपए प्रति पेटी था, इस बार जो है 80 रुपए प्रति पेटी मिलने वाले हैं, ऐसा हमें सुनने में आया है। अगर हम बात करें स्टेपिंग रोल की, तो पिछली बार 2750 का था, इस बार 2850 का 30 रुपए किलो के हिसाब से मिलने वाला है। सो हमारे जितने भी किसान भाई अभी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, 119 लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पर। आप जो है फटाफट से अपने फोन पर फेसबुक जो हमारा पेज है लाइव टाइम्स टीवी, उसे लाइक करें, फॉलो करें और जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, ताकि आज जो सोलन सब्जी मंडी से सुबह सुबह के ताजा भाव है वो क्या रहने वाले हैं वो हम आपको जरूर बताएंगे। प्रदीप शर्मा जी आपको भी गुड मॉर्निंग, कुलदीप सिंह जी आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग, अनिल शर्मा जी आपको भी गुड मॉर्निंग, प्रवीण जी आपको भी गुड मॉर्निंग। आप जो है इस लाइव स्ट्रीम को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि आज के जो ताजा सब्जियों के भाव हैं वो क्या रहने वाले हैं बस थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे। लहसुन के आज के भाव क्या रहेंगे ये भी बताएंगे। ये देखिए लिंगड़ मार्केट में आया है, इसके आज के ताजा भाव क्या है। आगे चलें तो भिंडी भी देखने को मिल रही है, खीरा भी देखने को मिल रहा है, परमल भी देखने को मिल रहा है। जरा मैं आपको बताऊंगा आज इसके भाव क्या रहने वाले हैं। बैंगन भी देखने को मिल रहा है और इस साइड ये जुगनी भी देखने को मिल रही है। टमाटर की भी यहाँ पे थोक क्रेज आई है। आज टमाटर के भाव क्या रहने वाले हैं वो हम आपको बस थोड़ी देर के बाद बताएंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो है इस लाइव स्ट्रीम को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, ताकि आज के जो ताजा सब्जियों के भाव है वो क्या है वो हम आपको जरूर बताएंगे। सर मटर के रेट भी जरूर हम पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से कि आज जो है मटर के भाव डाउन आए हैं या फिर ऊपर गए हैं, सबसे जरूरी है। बीन के भी बहुत सारे रेट हमारे किसान भाई पूछ रहे हैं, तो आज बीन डाउन आया है ऊपर गया है, सब बस आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे। आप जो है ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ते रहिए। अभी फिलहाल 230 लोग हमें देख रहे हैं, ताकि आज जो सब्जियों के ताजा भाव क्या रहने वाले हैं वो आप सभी तक आसानी से पहुंच सके और आप जो है अपना माल लेकर सोलन सब्जी मंडी आ सके। आज हमारे जो एक्सपर्ट है सानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सानी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी में। धन्यवाद जी। सानी साहब सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा आज फ्रूट से, पलम के आज क्या रेट है? पलम का बाजार वही चल रहा है जो ये 2-4 दिनों से चला, वही 10 से लेके 25-30-40 तक। लीची के आज के दाम क्या है? लीची जो बढ़िया है वो तो लगभग बिकी आज 90-100 रुपए तक जी, बाकी जो हल्की लीची 40-45 रुपए तक बिकी है आज। कुर्बानी की बात करें, कुर्बानी वही बाजार चल रहे जो 2-3 दिन से है, वही 10 से लेके 40-50 तक। आम के आज के ताजा भाव? आम बिका है 60 रुपए की रेंज में, दशहरी और अपना सफेदा। खुमानी? कुर्बानी वही अपनी 25-30 से लेके 40-50-60 तक बिकी है। अगर हम बात करें खरबूजा, खरबूजा थोड़ा सा तेज रहा है आज, खरबूजा 18 रुपए तक बिका है। अगर हम बात करें तरबूज की सर, तरबूज वही 8-10 रुपए तक। अंगूर?
अंगूर भी यार थोड़ा सा तेज था, 650 से लेके 700 रुपए तक। चेरी, चेरी आज दिखी नहीं है बाजार में, लेकिन 200 के आसपास चल रही है बॉक्स 1 किलो का। कीवी की बात करें, कीवी वही बाजार चल रहा है 500 से 550, 600। मौसमी क्या मार्केट में आई है? मौसमी आई है, मौसमी बिक रही है समय लगभग 70 रुपए केजी। केले की बात करें तो उसकी प्राइस बढ़े सर? हाँ, केला बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में केले का बाजार और ऊपर जाने के आसार है, क्योंकि नीचे केले के रेट काफी हाई हो गए हैं। तो आज 435 रुपए तक केला बिका है इस सैकड़ा। अगर हम बात करें अनार की, अनार बढ़िया अनार बिका आज 1200 से 1300 रुपए तक, बढ़िया से बढ़िया, और थोड़ा लो क्वालिटी का 700-750 तक। नींबू की बात करें तो उसने अपने प्राइस बढ़ाए? हाँ, नींबू आज थोड़ा सा ऊपर गया, नींबू आज 75 से 80 रुपए तक बिका है। पपीता, पपीता वही बाजार रहा है अपने 26 से लेके 30 रुपए तक। सेब की बात करें तो सर उसके आज के प्राइस क्या है? सेब वही एक हफ्ते से तकरीबन वही रेट चल रहा है, 1150-1150 रुपए 10 केजी का। आपके हिसाब से इस बार क्या सेब के रेट बढ़ेंगे, क्योंकि सुनने में आया है कि कर्टन के रेट बढ़ाए गए हैं? हाँ, जो सुनने में आया, अगर वो बढ़ता है तो उम्मीद है अगर उससे सेब करने भी रेट में फर्क पड़ेगा जी, रेट हाई होगी सेब के। अगर हम आप सब्जियों पे आए तो लिंगड़ भी मार्केट में काफी दिखाई दे रहा है, तो उसकी प्राइस क्या है? लिंगड़ आज बिका 40-45 रुपए केजी। अच्छा जी, टिंडा की बात करें, टिंडा 20-22 रुपए तक। काली तोरी, तोरी वही 14-15। पालक, पालक 12 रुपए। हरी मिर्च, हरी मिर्च 35 रुपए किलो तक। मशरूम सर, मशरूम बिकी 80 से लेके 110 तक। अदरक के भी बहुत सारे किसान भाई रेट पूछ रहे हैं, अदरक का आज का प्राइस? 50-55 रुपए तक बिका है। 50-55 तक अदरक बिका है, ये जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं असम और सिलीगुड़ी वाला। अच्छा जी, अगर हम बात करें प्याज की तो उसके आज के भाव क्या है सर? थोड़ा ऊपर जा रहा है रेट प्याज, आज 16 से लेके 17 रुपए तक बिका है। करेला, करेला आज 15-16 रुपए बिका है। भिंडी, भिंडी वही 12 से लेके 16-17 तक, जैसी क्वालिटी वैसे रेट। अगर हम बात करें घिया की सर, घिया आज 13 से लेके 15 तक। मूली, मूली 20-25 रुपए किलो तक बिकी है। आलू के आज के भाव? आलू का तो पहाड़ी है लोकल, वो बिका 23-25 रुपए किलो जी। नगरोटा बिका है 1150 रुपए का कट्टा जी। तो भाई ये माल लिख लो बिट्टो, और अपना जो अपने देसी आलू है वो 650-700-750। बहुत सारे लोग सर आड़ू का भी रेट पूछ रहे हैं, आड़ू का आज का दाम? आड़ू लगभग वही 20-30 रुपए किलो बिका है। कद्दू, कद्दू वही 6-7-8 रुपए तक। बैंगन, बैंगन 25। गाजर, गाजर 23-25 रुपए तक है बाजार। शिमला मिर्च 35 रुपए तक बिकी है, जो लोकल शिमला मिर्च आई थी वो 45 रुपए तक बिकी है। बीन का आज का रेट क्या है सर? बीन उम्मीद है आज 50 और 55 के बीच चलेगी बाजार जी। बीन का जो रेट है वो 50 से 55 के बीच में सारी सामने आपको बता दिया। टमाटर का आज का प्राइस क्या है सर? टमाटर जो तो लोकल भी गया है वो तो 1000 रुपए रेट भी गया है जी, और जो नीचे जा रहा है आजकल हरियाणा का वो भी गया 600-650 रुपए जी। अगर हम अब आए लहसुन पे, तो लहसुन का रेट आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है, और लहसुन का आज का प्राइस क्या है? लहसुन वही 4-5 दिनों से वही रेट चल रहा है, बढ़िया से बढ़िया 70-75 तक जी, और आने वाले टाइम में अभी कोई उम्मीद नहीं है रेट चढ़ने की जी, नीचे जाने के आसार लग रहे हैं, ऊपर तो नहीं अभी जा सकते। जितने भी हमारे किसान भाइयों ने अभी लहसुन स्टोर करके रखा है उनके लिए आप क्या कहेंगे? अगर रख सकते हैं, अगर कैपेसिटी है तो ज्यादा अभी थोड़ा टाइम रखेंगे जी, क्योंकि अभी जल्दी उम्मीद नहीं है कि इससे ऊपर रेट चढ़ेगा अभी जी। सर कुछ किसान भाई पलम का भी रेट पूछ रहे हैं। पलम 20 रुपए से लेके बहुत बढ़िया पलम 40 रुपए तक बिक रहा है किलो। चलिए सानी साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया था। तो चलिए, ये थे हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट सानी साहब, इन्होंने आपको आज के जो ताजा सब्जियों के भाव है, मटर क्या चल रहा है, बीन क्या बिकने वाला है, लहसुन आने वाले टाइम में बढ़ेगा, ये सब बता दिया है। आप जो है इस लाइव वीडियो स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि आज के जो ताजा सब्जियों के भाव है वो क्या है वो ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाइयों तक जरूर पहुंचे। सूरज सिंह जी आपको भी गुड मॉर्निंग, यशपाल शर्मा जी आपको भी गुड मॉर्निंग, सुरेश कुमार जी आपको भी गुड मॉर्निंग, सुभाष शर्मा जी आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग, ब्रह्मदत्त जी आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग, विक्की जी आपको भी गुड मॉर्निंग, राकेश ठाकुर जी आपको भी गुड मॉर्निंग, कपिल देव जी जय हिंद सर, भूपेंद्र सिंह जी आपको भी गुड मॉर्निंग, रामधन जी आपको भी गुड मॉर्निंग, मोहन जी आपको भी गुड मॉर्निंग। सो आप जो है इस लाइव स्ट्रीम को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। शनिवार का बेहतरीन दिन, आज के ताजा सब्जियों के भाव
क्या है वो आपको इस लाइव वीडियो स्ट्रीम में जरूर देखने को मिल जाएगा। हम है लाइव टाइम्स टीवी, मेरा नाम है अमित। आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी।